हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी, मैं बहुत खुश हूँ, और मैं खुश क्यों हूँ वो भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो भाई, पहले तो जिस जिसने मेरी मॉर्निंग वाली वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ देख के आइए जाके उसको। और चलिए जी, आज होने वाला है वीडियो में खुजली देवी के व्लॉग का पोस्टमार्टम। जी हाँ, 2-3 दिन हो गए भाई खुजली देवी के ऊपर कुछ नहीं बोला, और उसके बिना तो हमारा कंटेंट पूरा नहीं होता है, क्योंकि हमारी वीडियोस में व्यूज नहीं आते हैं। अब उसके बारे में बोलेंगे तभी तो व्यूज आएंगे ना। तो चलिए जी, करते हैं शुरू वीडियो को। क्या बात हो गई भाई, क्या हो गया? क्लैपिंग फॉर यू, क्लैपिंग फॉर यू। और क्यों, क्या बात होगी, क्यों सॉरी बोल रही है तू? क्यों सॉरी बोल रही है तू? तो सही होती है ना, तू तो हर चीज में सही होती है, तेरी तो कभी कोई गलती ही नहीं होती। तो अब क्यों सॉरी बोल रही है तू कि अब्बा आए थे, अंकल आंटी मुझे माफ कर दो, अंकल आंटी मुझे माफ कर दो। तो ऐसे काम नहीं चलेगा खुजली देवी, ऐसे काम नहीं चलेगा। सिर्फ एक माफी से काम नहीं चलेगा। मैं बताती हूँ तुझे आगे किस किस से तुझे माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन पहले तो ये कि ये जो औरत है ना, ये करती है दूसरों की वीडियो की कॉपी। जी हाँ, दूसरों की वीडियो की कॉपी करती है, ये वेट करती है कि किस किस की वीडियो आएगी, चाहे फिर वो मेरी वीडियो हो जाए, चाहे फिर महामीर की वीडियो हो जाए, ये हमारी वीडियो का वेट करती है। उसके बाद ये अपना ब्लॉग अपलोड करती है ना, उसमें रिएक्शन देके दोनों ही चैनल का, क्योंकि इसके पास अपने पास अपना तो मतलब खुद का है नहीं बोलने के लिए। और अभी तो ये कंटिन्यू 4-5 दिन से जो है ना, रेगुलर महामीर की उसकी कॉपी करती जा रही है वीडियो की। जैसे ही महामीर की वीडियो आती है, उसको देखती है, वहां से टाइटल थंबनेल वगैरह ये चीजें उठाती है, थंबनेल, और उसी के ऊपर लिख देती है, बोल देती है जो जिसको बोलना होता है। तो महामीर ने बोला था कि भाई अब्बा नहीं आए थे, अब्बा आए थे तो दिखाए क्यों नहीं। तो मोहतरमा ने भी बोला कि भाई अब्बा नहीं आए हैं, अब्बा तो दिखाए ही नहीं, अब्बा को बैक साइड से ही दिखा दो, पर दिखा दो। तो दिखा दिया, ठीक है। और ये बात मैं अपने, वैसे तो मैं मॉर्निंग वाली वीडियो में क्लियर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ दोबारा करना चाहती हूँ कि मेरी एक बेचारी सिस्टर है, एक सब्सक्राइबर है, नबीला खान करके, उसने मुझे कल रात को कमेंट किया कि कमेंट किया था, हाँ, कोई पर्सनल डीएम नहीं किया था, कमेंट किया था कि सिस्टर अब्बा आए थे, आपने देखा नहीं, आप उनकी वीडियो देखो जाके पार्ट टू। तो उस टाइम पे मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने उस सिस्टर को बोला कि आप मुझे ना मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे डीएम कर दीजिए स्क्रीनशॉट लेकर। तो उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे टाइमिंग बताई कि आप 8:40 के बाद जाके वीडियो देखिए, 2-3 सेकंड के लिए अब्बा वहां पर दिखाई दे रहे हैं आंटी जी के साथ बात करते हुए। तो मैं गई, मैंने देखा, तो वाकई में, क्योंकि पहले वो जो वीडियो थी ना, मैंने भी थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देखी थी, तो मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन मेरे माइंड में ना बहुत चल रहा था। और जब ये अब्बा वाली बात उठी थी ना कि अब्बा नहीं आए या नहीं आए, तब मैंने महामीर को भी मैसेज किया था कि सिस्टर आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। तो उस टाइम पे महामीर सिस्टर ने मुझे कहा था कि सिस्टर अगर आपके पास जो है वो कोई भी प्रूफ है तो आप मुझे दो, और अगर मुझे प्रूफ मिल गया, चाहे वो स्क्रीनशॉट हो, चाहे वीडियो हो, कुछ भी मुझे मिल गया, तो मैं अपनी वीडियो में बैठकर सॉरी बोलूंगी, क्योंकि मैंने गलती करी है, तो मैं माफी मांगने के लिए भी रेडी हूँ। ये बात महामीर ने बोली थी मुझे, और महामीर अपनी जुबान पर रही, उसने वीडियो बनाई और सॉरी भी उसने बोला, तो मुझे अच्छा लगा। और रात को ही मैंने, जब ये सारा कंफर्म हो गया और मुझे भी कंफर्म हो गया कि नहीं वो अंकल ही हैं, वो अब्बा ही थे, तो फिर मैंने अपनी एक फ्रेंड को वो सारी चीजें सेंड की, और उन्होंने आगे फिर महामीर को सेंड की। तो ऐसे ऐसे जो है वो ये क्लियर हुआ सोशल मीडिया पर कि भाई अब्बा आए थे आजम के बर्थडे पे, ठीक है। और उससे पहले, ये तो मॉर्निंग की बात थी, लेकिन रात को ही इन्होंने 11-12 बजे तक शायद एक ब्लॉग अपलोड किया था, तो या पता नहीं मॉर्निंग में किया था, शायद मॉर्निंग में किया होगा नाजिया सिस्टर आपा ने, तो इन्होंने मॉर्निंग में किया होगा अपलोड, क्योंकि जब मैंने देखा तो उस पे आ रहा था कि 5 घंटे पहले वीडियो अपलोड हुई है। तो उन्होंने भी बोला कि भाई तुम अच्छे से देखो जा करके, अब्बा तुम्हें दिखाई देंगे पार्ट टू में, तो वो भी बोला था नाजिया आपा ने भी, ये बात क्लियर कर दी थी, ठीक है। तो चलिए, ये तो बात थी, चलो महामीर की तो ठीक है, उससे गलती हुई, उसने सॉरी बोली, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, जिस चीज के लिए उसको एहसास हुआ उसने बोला वो। तो महामीर का तो चलो समझ में आता है कि भाई उसको पता चला तो उसने सॉरी,
तू क्यों सॉरी बोल रही है? और अगर तू सॉरी बोल रही है तो फिर तुझे सबसे सॉरी बोलना पड़ेगा। नूर घर से भाग गई है, किसने बोला था? तो नूर से सॉरी मांग। शेरू भाई की गर्लफ्रेंड है, इनके घर में तो महाभारत चल रही है, इनके घर में तो झगड़ा हो गया है ना? नूर घर छोड़कर चली गई है, किसने बोला था? नूर और सरफराज दोनों से सॉरी मांग। ठीक है, सेकंड सबा, उससे भी तुझे सॉरी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि बिना उनकी परमिशन के तुमने वो किया था, उसका फेस जो है वो रिवील किया था सोशल मीडिया पर। ठीक है, उनसे वहां से गलती से हो गया था, वहीं से तुमने उठाया। मैं भी हो भी सकता था कि वो लोग उसको कट कर देते, लेकिन उनके कट करने से पहले ही तुम लोगों ने जो है वो वायरल कर दिया उस चीज को। मैंने भी वीडियो बनाई थी, मैं इन लोगों को ही क्यों बोलूं, मैं भी शामिल थी उस टाइम पे, तो मैंने भी बनाई थी और उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो उससे माफी मांग, है ना? रियाज भाई और अपना आंटी के लिए क्या क्या नहीं बोला गया, चुम्मी देवी, ये घुंघरू वाली, आगे बाल उनके ऐसे गिरते थे कल, तो ये घुंघरू वाली आंटी, ये झूमर वाली आंटी, पता नहीं क्या क्या बोला है, क्या नहीं बोले, किस किस से माफिया मांगेगी। और हाँ, जाहिर सी बात है, नाजिया शेख और उसके पति से भी तुझे माफी मांगनी पड़ेगी, उनको क्या क्या नहीं तूने बोला। ठीक है, तो अभी रिसेंट आजम का बर्थडे था, इतना वहां पर शोर था, डीजे चल रहे थे, इतना परिवार फैमिली वहां पर थी, 1 साल का बच्चा, छोटा सा बच्चा इतनी भीड़ को देख रहा है, अगर वो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो जाहिर सी बात है वो तो डरेगा। और अगर माँ बिजी है तो कौन संभालेगा? बाप ही संभालेगा ना उसको, क्यों? क्योंकि सगा बाप तो वही है ना, सगा बाप तो वही है, या बाकियों की तरह तो नहीं ना कि नायक की पैदाइश को अली में सौंप दिया अली में लाके रख दिया, ऐसा तो नहीं है ना। तो भाई उसको फर्ज है, ठीक है, कि अगर माँ के पास टाइम नहीं है, माँ मेहमानों में बिजी है, तो जाहिर सी बात है बाप ही उसको देखेगा, बाप ही उस पर प्यार लुटाएगा। ठीक है, माँ अपनी ममता लुटाती है, बाप अपना प्यार लुटाता है, जो भी है, तो कौन देखे, कोई थर्ड पर्सन तो नहीं आएगा ना देखने। तो अगर अपने बच्चे को, अपनी औलाद को अगर एक बाप देख रहा है, तो उसमें क्या गलत है? तुमने तो उस पे भी सवाल उठाए, ले जी बच्चे को नहीं संभालती है, पति को क्या बना रखा है, जोरू का गुलाम या जो भी बेचारे बाबू भैया को बोला जाता है, वो सब कुछ बना रखा है, ये कर रखा है, वो कर रखा है, तो उन सबसे माफी मांग। और अपने बाबू भैया तो बायोलॉजिकल फादर हैं आजम के, किसी और की पैदाइश कहीं और नहीं फिट करी है। ठीक है, तो ऐसा है, और माफी मांगनी है तो फिर सबसे मांग, क्योंकि बहुत सारी बातें तेरी झूठ निकली है ना। अपना नाजिया दुबई चली गई, सॉरी जीनी, जीनी दुबई चली गई है, जीनी की शादी इमरान से हो गई है, जीनी की शादी अनस से हो गई है, 20 20 22 22 साल के वो छोटे छोटे लड़के हैं, उनकी शादी तू किसी से भी करवा रही है ना। और नूर को घर से भगा दिया, सरफराज भाई की गर्लफ्रेंड पैदा हो गई थी, तो ये सारे एलिगेशन झूठे ही थे मैडम। अभी तो प्रूफ, मतलब अब्बा के लिए प्रूफ मिल गया, तो उसके लिए तूने माफ, अगर तू नहीं डालती ना, तो तू यहाँ पे झूठी साबित हो जाती है ना, झूठी साबित हो जाती। क्यों? क्योंकि महामीर ने भी डाल दिया और मैंने भी डाल दिया अपनी वीडियो में। अगर तू अकेली नहीं डालती तो लोग तुझे गलत सोचते कि तूने तो झूठी इन्फॉर्मेशन दी थी, है ना। तो मजबूरी में तुझे डालना पड़ा वो, और सॉरी भी तुझे मजबूरी में ही बोलना पड़ रहा है, दिल से सॉरी नहीं है तू, क्योंकि जो इंसान दिल से सॉरी होता है फिर वो सबसे माफी मांगता है। और दिल से सॉरी तो हो भी नहीं सकती है क्या, क्योंकि तू जैसे दूसरों के लिए पैसे ले लेके वीडियो बनाती थी ना, वैसे ही तू नाजिया के लिए भी पैसे ले लेके ही वीडियो बना रही है। नाजिया के रिश्तेदार क्या पता तुझे पैसे दे रही हूँ उसको बदनाम करने के लिए, है कि नहीं? तो कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है आज के टाइम में, जैसे हमारे ऊपर एलिगेशंस लगाए जाते हैं, तो फिर बाकी कैसे बच के रह सकते हैं, है ना। तो चलिए जी, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।